दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इसी के तहत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस तीन मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार से जवाब चाहती है, जिसे लेकर इनका प्रदर्शन जोर शोर से चल रहा है। कांग्रेस चाहती है कि दिल्ली सरकार डीटीसी बस खरीद घोटाले, दिल्ली में पानी की किल्लत व महंगाई पर जवाब दे। कांग्रेस ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार की नाकामियों के खिलाफ विधानसभा घेराव का आह्वान किया। उसने कहा था दिल्ली को हम लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। दिल्ली पेरिस बने क्या? दिल्ली लंदन बने क्या? मैं झूठा आदमी नाम सकते हो, दिल्ली की जनता को ठगा, झूठे वादे किए हैं। आज दिल्ली की एक मानसून के बारिश से दिल्ली की जगह जगह जो सड़क की पोल खुली, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है वो छुपी नहीं है। इस आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस करेगी। दिल्ली बूंद बूंद पानी को तरस रही है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा था रोजगार देंगे, हाथ हाथ में दारू देकर फ्री होम डिलीवरी शराब की कर रहे हैं।